हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज हम बनाएंगे सोया चाँप। तो सोया चाँप के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये हमने ली है सोया चाँप। ये इस तरह की होती है फ्रेंड्स, ये देखिए। इसे हमने बॉईल कर लिया है 5 मिनट। उसके बाद हमने इसका पानी जो है निकाल लिया है। फिर हमने किचन टॉवल पर इसे सुखा लिया है। ये ली है हमने टमाटो प्यूरी। ये मिक्सी में हमने टमाटो को पीस के प्यूरी बना ली है। ये हमने कर्ड लिया है ऑयल फ्राई करने के लिए और तड़का के लिए। ये कसूरी मेथी गार्निशिंग के लिए, फ्रेश क्रीम। ये लिया है हमने सोया चाप मसाला। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ मैं। और ये यूट्यूब चैनल पर वीडियो में मैंने बनाना सिखाया हुआ है। इसमें हल्दी, मिर्च, नमक, इसमें सब ही चीज़ें मिक्स हैं, इसलिए हमने ये थोड़ा ज़्यादा लिया है। और हम यहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं ले रहे, सॉल्ट, मिर्ची, कुछ भी, क्योंकि सब चीज़ें इसमें हमने मिक्स की हुई है। ये हमने ली है मिंट लीव्स, इन्हें थोड़ा क्रश कर लिया है। जिंजर और हरी मिर्ची का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये सेम मसाला हमने थोड़ा सा अलग से ले लिया है। फ्रेश क्रीम है फ्रेंड्स। और ये गार्निशिंग के लिए कसूरी मेथी ली है। इन सब की मेजरमेंट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विद रेखा। सबसे पहले हम ये जो सोया चाप है इसके पीसेस को इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से आप एक चाप के 3 या 4 पीसेस कट कर लीजिए। इस तरह से हम सभी चाप्स के पीसेस कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो मसाला है इसे हम इसमें डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम कर्ड ऐड कर देंगे। ये जो हमने मसाला डाला है इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, ज़ीरा, कसूरी मेथी, इस मसाले में सभी चीज़ें ऐड है, इसलिए हमने अलग से कुछ भी ऐड नहीं किया है इसमें। इसमें हम कर्ड डाल देंगे। थोड़ी सी कर्ड हम बाद के लिए भी रखेंगे जब हम सोया चाप्स को तड़का लगाएंगे। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसमें अलग से सॉल्ट चेक करके सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। मसाला में सॉल्ट कम हो सकता है, या इसमें आप कोई थोड़ा रेड चिली पाउडर ऐड करना चाहें ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इस मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पुदीना के पत्ते जो हमने अच्छे क्रश किए हुए हैं इसे भी ऐड कर लेते हैं। और अब हम इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, आधे से पौने घंटे के लिए। फ्रेंड्स, जब तक हमारी चाप्स जो मैरिनेट होती हैं तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं ग्रेवी। इसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ओनली 2-3 टेबलस्पून के आसपास हमने ऑयल ले लिया है। ये इसे गर्म होने देते हैं। हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज डाल देंगे। ये जो हमारा अनियन का पेस्ट है ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें ऐड करेंगे हम अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसे 1-2 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, सोया चाप मसाला। ये हम आधा ही ऐड करेंगे अभी, ये थोड़ा हम बाद में ऐड करेंगे। मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए और पकाना है। ये मसाला हमारा भुन चुका है, बहुत ज़्यादा भी इसे नहीं भूनना है। इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेते हैं।
बाकी का मसाला है ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम टमाटर को पकने देते हैं लो मीडियम फ्लेम पर। बीच में हम इसे इस तरह से स्टर करते जाएंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। ये फ्रेंड्स टमाटर पक चुका है हमारा, इसने ऑयल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, मींस कि मसाला पक चुका है। इसमें अब हम डालेंगे कर्ड, और कर्ड डालने से पहले हम गैस बंद कर देंगे, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कर्ड जब भी आप डालें तो गैस को बंद कर दीजिए ताकि जो कर्ड है वो फटे नहीं। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। कर्ड फ्रेंड्स थोड़ी थिक होनी चाहिए इसके लिए। मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। मिक्स होने के बाद अब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसे हम लो फ्लेम पर पकाएंगे और रेगुलरली इसे हम स्टर करते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह बॉयल ना हो जाए। जब हमें लगेगा इसे उबाल आना स्टार्ट हो गया है तो हम गैस की फ्लेम को तेज़ कर लेंगे। ये मैं गैस ऑन कर रही हूँ, हम इसे रेगुलरली स्टर करते जाएंगे। ये फ्रेंड्स ये देखिए साइड में बबल आने स्टार्ट हो गई है, मतलब इसमें उबाल आ चुका है। अब हम गैस को तेज़ कर सकते हैं थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट और पका लेते हैं। यदि आप थिक चॉम्प्स खाना चाहते हैं सूखी ग्रेवी वाली चपाती इसके साथ तो आप इसे इसी तरह से चॉम्प्स इसमें हम डाल देंगे बाद में, और अदरवाइज़ यदि आप इसकी थोड़ी सी ग्रेवी लिक्विड चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए और पकने देते हैं। ये हमने 2 से 3 मिनट इसे और पका लिया है। ये देखिए हमारी जो दही है उसने ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब दही पक चुकी है इसमें। अब हम ग्रेवी को बंद कर देंगे, मींस गैस को ऑफ कर देंगे। ही हमने साइड कर ली है ग्रेवी वाली। अब हम ये जो मैरिनेटेड सोया चाप्स है इन्हें फ्राई कर लेंगे, तो इसके लिए हमने पैन लगा लिया है। इसमें हम ऑयल डाल देते हैं, इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं ऑयल को। है हमारा इसमें डालेंगे हम सोया चाप्स इस तरह से, हम सारी सोया चाप्स इसमें डाल देते हैं। हमने सारी सोया चाप्स इसमें डाल दी है। अब हम इसे फ्राई होने देंगे, और जब हमें लगेगा तो एक साइड से ये पक चुकी है तो हम इसे दूसरी साइड इस तरह से धीरे से पलट देंगे इस तरह से। अभी ये नहीं पकी है, जब हमें लगेगा हल्की सी लाइट सी ब्राउन हुई है तो हम इसे इस तरह से बीच में पलटते रहेंगे और इसे हम सब तरफ से पका देंगे। इसमें हमने बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं किया, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं हम इसे। फ्रेंड्स सोया चाप्स हमारी हो चुकी है फ्राई। ये देखिए सब जगह हमने इसे सभी तरफ से फ्राई कर लिया है अलट पलट करते हुए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, इन्हें एक किचन टॉवल पर या पेपर नैपकिन पर निकाल दें। चाप तो फ्राई हो चुकी है, मसाला जो है हमारा जो ग्रेवी मसाला था वो रेडी है। उसे हम फिर से गर्म कर लेते हैं जो कि हमने साइड में रख लिया था। इसे एक बार फिर से थोड़ा गर्म करना पड़ेगा तभी इसमें हम चाप्स डाल पाएंगे। आप चाहें फ्रेंड्स तो ये स्टेप बाय स्टेप करें, जैसे कि पहले मैरिनेट करें फिर शैलो फ्राई कर दें फिर उसके बाद आप मसाला तैयार कर सकते हैं। और इसमें हम चाप्स डाल देंगे जो कि हमने फ्राई की थी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सोया चाप्स बिल्कुल रेडी है, इसमें हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहें तो थोड़ी कीजिए,
या जैसी आपको पसंद है, मैंने थोड़ी सी ऐड की है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, इसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। वैसे तो मसाला में भी मैंने कसूरी मेथी ऐड की हुई है, लेकिन ऊपर से हम डालेंगे तो इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसे सर्व करेंगे, गैस बंद कर लेते हैं। हमारी सोया चाम्प्स रेडी है, ये हमारी कड़ाही सोया चाम्प्स बनी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और न्यूट्रिशियस भी होती है, क्योंकि सोया जो है वो न्यूट्रिशियस होता है। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक अपनी कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कीजिए। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।